उत्पादन की कंडीशन क्या है? आपका ये बिन बन रहा है, ये आपका बिन आ रहा है, ठीक है ना। 11 वोल्ट मैंने रखा, कितने रखा? बैटरी का जो आउटपुट होगा, मेरा एलडीओ तो बन जाएगा, 3.3 वोल्ट एलडीओ बन गया, और ये एलडीओ मेरा किसको मिल गया? आयोचक को मिल चुका है। ये एलडीओ मेरा आयोचक को भी मिल चुका है। तो आयोचक को जब ये एलडीओ मिला प्लस आयोचक को 3.3 वोल्ट आरटीसी बीसीसी मिल गया, पिन नंबर 114 पे। साथ ही साथ अगर देखोगे इसका पिन नंबर 73 के आपका एसिन है, है ना, इस पर भी क्या है, हाई का कंडीशन बनेगा। और आपका पिन नंबर 93 जो है, जो कि हमारा क्या है ऑन ऑफ, उस पे भी हाई की कंडीशन रहेगी। तो चूंकि क्या है, पिन नंबर 73 पिन नंबर 93 दोनों हाई पे है, तो उस केस में आपका पिन नंबर 74 जो कि हमारा पीएसएल आउट है, वो भी क्या रहेगा, हाई पे रहेगा। तो हाई पे रहने के केस में क्या हो गया, सीधा यहां पे फर्क पड़ा, ये आपका क्या है पी चैनल, ये है आपका एन चैनल। तो एन चैनल हाई की कंडीशन में क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका ऑफ रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 3.3 वोल्ट एलडीओ है वो हमारा S5 एनेबल बनके 3.5 के आईसी को एनेबल नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हुआ, एनेबल नहीं है, एनेबल नहीं है। तो उस केस में आपका ये 5 वोल्ट एलडीओ जो है उस पे क्या रहेगा, 0 वोल्ट। अपना 3.5 वोल्ट तो आपको मिलने वाला नहीं। तो ये जो येलो कलर में पूरा का पूरा ड्रॉ है, ये क्या बैटरी मोड फॉर पावर बटन है ना। और जब आप जाओगे बैटरी मोड आफ्टर पावर बटन की कंडीशन, तो यहां पर आपने क्या किया, पावर बटन को यहां पर देखो मैंने प्रेस किया, ये मेरा काम करेगा, करेगा पर्दा छोटा कर लेता हूं है ना। तो यहां पर देखो स्टार्टिंग में क्या था, ये 3.3 वोल्ट था, ये 3.3 वोल्ट था। जैसे मैंने पावर बटन प्रेस किया, सीक्वेंस क्या हो गया, लो हो गया। तो आयोचक को क्या मिला, एक लो मिल गया। बाद में की आयोचक को सप्लाई तो पहले से मिल ही रही है ना, चाहे अडैप्टर मोड हो चाहे बैटरी मोड हो, 3 वोल्ट एलडीओ और आरटीसी बीसीसी तो इसको मिलता ही रहेगा। तो जैसे ही एक बार ये लो हुआ, लो होते क्या किया इसने, हाई को लो में कन्वर्ट कर दिया। जो पहले पीएसएल आउट हाई था वो लो में कन्वर्ट हो गया। लो होते क्या हो गया, ये मेरा ऑफ से ऑन हो जाएगा और ये मेरा ऑन से ऑफ हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो गया, जैसे ही आपके पी चैनल ऑन हुआ, ये जो हमारा 3.3 वोल्ट एलडीओ ऐसे होकर के, ऐसे होकर के ये मिल गया आपके पिन नंबर 6 और पिन नंबर 20 पे आ गया। और इसके आने से क्या हो गया, पहले तो यहाँ पर 5 वोल्ट बना है ना, 5 वोल्ट एलडीओ मेरा ऑन होने, मतलब ये एनेबल होने के बाद जब मेरे आईसी टीपीएस 51225R को जब एनेबल मिल जाएगा, तब जाके वीरेज 5 मतलब 5 वोल्ट एलडीओ आपका जनरेट हुआ। और इसके बाद की कंडीशन क्या है, जब ये मिल जाए उसके बाद क्या होगा, जब ये मिल जाएगा इसके बाद क्या होगा, एक तो आपका वीरेज 5 निकला, अब आपको क्या चाहिए, 5 वोल्टेज चाहिए ना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्टेज चाहिए। तो यहां पर कंडीशन आपकी ये बन गई कि जब भी हम कंडीशन हमारी यही बन जाएगी कि मेरी जो स्टेप डाउन आईसी है, कलर चेंज करना पड़ेगा, दो पिन पे इसको एनेबल मिला, ठीक है ना, इसके दो पिन पे एनेबल आया, एनेबल आते क्या हुआ, एक तो आपका एलडीओ आउटपुट मिल गया आपको 5 वोल्ट एलडीओ, 5 वोल्ट एलडीओ मिल गया है ना। यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपको क्या चाहिए, यहां पर स्विचिंग स्टार्ट होगी, 3 वोल्ट 5 वोल्ट को लेकर के स्विचिंग कुछ इस तरह का ही होता है, 3 लेग को लेकर मैं बना रहा हूं, ये कॉइल होता है और गेट मेरा इससे जुड़ा रहता है ना। कोई भी एक फेज ले लो है ना, जैसे 3 वोल्ट 220 ले लिया, दूसरा फेज भी चलो बना लिया मैंने, गेट मेरा इससे जुड़ा हुआ और ये मेरी स्विचिंग स्टार्ट। तो स्विचिंग जो स्टार्ट होगी
5 वोल्ट LDO बन गया आप स्विचिंग रेट, क्योंकि 5 वोल्ट LDO बनने का मतलब क्या हुआ, 5 वोल्ट LDO करेगा क्या, बात आ गई 5 वोल्ट LDO करेगा क्या, तो आपका जो 5 वोल्ट LDO है आईसी के लिए इंटरनली यूज होता है, तो आईसी के अंदर जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, साथ ही साथ इसी 5 वोल्ट LDO से यहां पर मान के चलो इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या लगा रहता है ड्राइवर आता है इंटरनल लगा हुआ हाई साइड लो साइड, तो लो साइड ड्राइवर को क्या मिल गया, उसकी सप्लाई मिल गई, और साथ ही साथ अब हाई साइड ड्राइवर की बात करें तो हाई साइड ड्राइवर के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये डायोड लगा रहता है ना इंटरनली, है ना, और ये कुछ इस तरह करके यहाँ पर आप देखते हैं एक रजिस्टर एक कैपेसिटर, और ये कहाँ जाता है मेरा यही सेंटर पिन हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं फेज का पिन, है ना, तो क्या बोलते हैं बीएसटी, तो 5 वोल्ट एलडीओ मिलते ही क्या होगा, एक तरफ बीएसटी पे हमारा वोल्टेज आ चुका है, भले वोल्टेज क्या रहेगा 4.8 वोल्ट स्टार्टिंग में 4.8 वोल्ट है ना, तो एनएमएल आया एलडीओ बना, एलडीओ बनते बीएसटी पे आपको 4.8 वोल्ट आया, अब आईसी स्विचिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करेगा, अपना करंट सर्किट करेगा, अपना करंट सर्किट करेगा, तो आप यहां पर क्या देखते हो ऐसे करके रजिस्टर ग्राउंड, ये रजिस्टर ग्राउंड होता है, तो जैसा रजिस्टर होता वैसा वोल्टेज बन जाता है, हमने बोला कि यहां पर मान के चलो 115 के का रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहां पर वोल्टेज क्या बना 1.15, तो ये करंट की सेटिंग्स हो गई, आउटपुट में कितना करंट लिमिट होगा वो सेटिंग्स हो गई, और सेटिंग्स होते ही क्या हो गया मेरा स्विचिंग स्टार्ट, स्विचिंग स्टार्ट होते मेरे को यहां पर 3 वोल्ट मिल गया, यहां पर मेरे को 5 वोल्ट मिल गया, तो इस तरह की जब भी आपको प्रॉब्लम आती है कि मेरा आईसी पे एनेबल तो आ रहा है फिर भी मेरा कॉइल वोल्टेज मेरे को नहीं मिल रहा है, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए आपको पॉइंट्स क्या हो जाता है, एक तो इसको याद में रखना है करंट सेटिंग्स के रजिस्टर को, दूसरा इसको याद रखना है आपको ये रजिस्टर ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाता है यहां से क्या है आपका फीडबैक, फीडबैक के रजिस्टर फीडबैक की कनेक्टिविटी, ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेना है, कई बार क्या होता है फीडबैक भी होता है और एक लाइन ऐसे आता है ऐसे होकर के ऐसे आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट सेंस बोलते हैं, तो फीडबैक की कनेक्टिविटी फीडबैक के कंपोनेंट्स आउटपुट सेंस का कनेक्टिविटी वो आपको देख लेना है, और इसके अलावा यहां पर कैपेसिटर्स भी तो लगे रहते हैं ना कॉइल के बाद, कैपेसिटर को आप देख लोगे है ना, और उससे पहले अगर आपको मान लीजिए शॉर्ट पैड नजर आता होता ना ऑलवेज के बाद शॉर्ट पैड रहता है यहाँ शॉर्ट पैड होता है यहाँ शॉर्ट पैड होता है तो शॉर्ट पैड को हटा देना, समझ गए ना, मतलब कि एनेबल आने के बाद ये चार पांच पॉइंट्स हम करके देखते हैं हमारा केस वहीं पे सॉल्व होता है ना, कई बार इस तरह की भी कंडीशन बनती है देखना कि मान लीजिए मैंने एडप्टर लगाया मेरा 3-5 बन गया, जैसे मैं पावर फेस करता हूं मेरा बोर्ड 14 देने लगता है 14 शो करता है ना, उस केस में क्या होता है कि ये जैसे कि मान लो ये 5 वोल्ट है ये आपका लो हो जाता है, मतलब कि जब तक हमने पावर बटन नहीं प्रेस किया तब तक तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक है ना, हाई वोल्ट मेरा जो बंद अच्छे बन रहा है, लेकिन जैसे ही पावर बटन प्रेस किया मेरा बोर्ड शॉर्टिंग शो करने लगा, डीसी इनपुट से आईडी तक जाता है शॉर्टिंग का, और मैंने जब 5 वोल्ट चेक किया तो भैया वहां पे तो कोई वोल्टेज नहीं है वो तो ग्राउंड से बिट दे रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहां है, इधर नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इधर है आगे, आगे ऐसा क्या है कि ये लो मार गया, तो इस शॉर्टकट के बाद जरूरी नहीं कि शॉर्टकट सपोर्ट में हो कि मेरा 5 वोल्ट कहां कहां जा रहा है, तो आपको आइसोलेट करना है, तो 5 वोल्ट जो जा रहा है तो सबसे पहला जो आइसोलेट हम करते हैं तो किसको करते हैं हम डीसी टू डीसी को, ये हमेशा ध्यान रखना, तो अगर किसी बोर्ड में आपका शॉर्टकट नहीं है और आप 3-5 को ट्रबल शूट करने चाहते हो तो आप सबसे पहले डीसी टू डीसी को साइड में रख लो, जब केस सॉल्व हो जाए तब हम लगा लेंगे, तो मोटा मोटा यही चीज था, ये क्लियर है बैटरी मोड बिफोर पावर बटन, बैटरी मोड आफ्टर पावर बटन।
अब इतना समझा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया वही तो होगा जिसको नहीं आया होगा, ऐसा नहीं होगा कि सबको आ जाएगा। चलो अब तो हम इसको क्या ले लेते हैं, बोर्ड पे आपको मैं दिखाता हूँ, बोर्ड पे जो कंडीशन है मैं अडैप्टर लगाऊंगा इसमें। सबसे पहले इसको चलाते हैं, मल्टीमीटर भी चाहिए लगा दो, आप आता है कि बोर्ड पे आपको खोजना है, ठीक है ना, बोर्ड पे खोजना है। चलिए बोर्ड पे खोजते हैं, पहले बोर्ड पे खोजने से बढ़िया क्या है, मैं आपको इमेज पे दिखा दे रहा हूं पहले। अभी देख लो, खैर ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया है, ऑटोमेटिक ऑन इसलिए हो गया है। अब यहां पर बोर्ड को देखो, ये 3-5 का कॉइल हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, वैसे देखा जाए तो शॉर्टकट भी है, इसको अगर आप काटना है तो यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड से काटना पड़ेगा, और आपका डीसी टू डीसी के लिए जाओगे तो बैक साइड में आपको ये डीसी टू डीसी भी है, इसका डीसी टू डीसी ये होगा, ये पहचान होता है डीसी टू डीसी, ये आपका डीसी टू डीसी, इसको आप हटा के साइड में रख सकते हो, और ये आपकी देखा कि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है 2402 और 2403, मार्केट में इस आयु को लेने के लिए जाओगे तो आपको 300 रुपए तक का मिलेगा, ध्यान में रखना है, या आपको 300 रुपए तक का मिलेगा, कोई कोई 350 मिलेगा, ज्यादा स्टॉक में लेते हैं तो आपको हो सकता है 250 रुपए का भी मिल जाए, तो रेंज इसकी क्या होती है, यही 250 से 350 तक के बीच में मिलता है। अब कहीं दूर दराज बैठे हो तो आपको कॉस्टिंग ज्यादा मिलेगी, तो अब यहाँ पर मेरे को क्या जाना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया, हमने कंडीशन चेक करनी है इसकी, किसकी, Q2402 और Q2403 की कंडीशन मेरे को चेक करनी है, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लिया। मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर ले आ रहा है, सारा चीज आ रहा है, सर आपको होना नहीं साउंड, अब सारा चीज आ रहा है, ठीक है, अब कोई चेंजेस नहीं करूंगा, अभी आप अगर देखोगे तो मेरा जो कंडीशन है अभी ऑन कंडीशन है, तो ये लो होना चाहिए, मतलब गेट मेरा लो होना चाहिए, और ड्रेन पर भी वोल्टेज है, सोर्स पे भी वोल्टेज है, ये क्या आपका Q2402, तो Q2402 के ऊपर कंडीशन ये होगा, Q2402 मेरा कौन सा है, ये वाला, इसका अगर मैं गेट देखूं, गेट कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर सोर्स हो गया, तो पहले तो देखो ड्रेन पर वोल्टेज है, है ना, ये वोल्टेज कब आया, ये वोल्टेज तब आया है जब जाके मेरा ये गेट आपका लो हुआ है, लो होने से क्या हो गया कि ये पी चैनल है ना, ये आपका ऑन की कंडीशन में आ गया, ऑन कंडीशन आते ये वोल्टेज यहाँ पर स्विच कर गया, तो आप देखोगे यहाँ पर गेट मेन इंपॉर्टेंट आपका गेट ही हो जाता है, तो गेट का अगर मैं पाथ दिखाऊं, देखिए गेट की कंडीशन क्या बता रहा है आपका मल्टीमीटर, कोई वोल्टेज नहीं बता रहा है, 0.010, तो ये इसकी ओके कंडीशन है, तो ये मेरा ऑन की कंडीशन में है, और ये मेरे को क्या चाहिए ऑफ की कंडीशन में, क्योंकि आपका एन चैनल है, इसका अगर गेट देखोगे तो इसके गेट पर भी वही बात होगी ना,
कोई वोल्टेज नहीं कुछ नहीं yes, है ना, सोर्स तो ऑलरेडी इसका ग्राउंड होता है। ड्रेन पर अगर चेक करेंगे तो ड्रेन पे मेरे को क्या मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है। तो बस यही क्या हो गया, आगे जाके मेरा 3-5 के आईसी को एनेबल कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन बनी कब है, तो ये सारी कंडीशन तब बनी जब हमने देखा पिन नंबर 73 और पिन नंबर 93। तो पिन नंबर 73 क्या है मेरा, लो। तो मेरा पिन नंबर 74 भी क्या है, लो। पिन नंबर 73, पिन नंबर 74 को आप यहां पर चेक कर लो। तो आयो चेक करना, तो हम आयो चेक करके नंबर 73 पिन नंबर 74 पे चले जाते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप देखो कि आयो चिप में आपको दिख रहा है बी स्टैंड बाय 75 नंबर पिन पे एलडीओ वोल्टेज आना चाहिए। एक आपको दे रखा है बी बैकअप, इस पे भी आपका वोल्टेज होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई, और तीसरी कंडीशन आपका यहीं पर दे रखा है देखो, ये पिन नंबर 73, पिन नंबर 93, पिन नंबर 74। तो 74 आपका आउटपुट है, ये मेरे को लो चाहिए। ये लो कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक लो हो जाएगा। तो PSL-1 और PSL-2, तो ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि PSL-1 मेरा एसी है, ये लो है, और ये क्या रहेगा, मेरा हाई पे रहेगा, लेकिन इसका काम कब पड़ेगा, बैटरी मोड पे पावर को टेस्ट करने के बाद, है ना। तो फिलहाल मेरे को PSL-1 73 भी लो मिलना चाहिए और 74 भी मेरे को लो मिलेगा, ये मेरी ओके कंडीशन है। तो अगर आपको ओके कंडीशन पता है तो आगे कभी फॉल्टी कंडीशन आएगी तो आपको इसका ध्यान में आ जाएगा। आयोचित पे देखोगे तो आयोचित पे हमें काउंटिंग का मेथड मैंने आपको पहले बता दिया था, 32 32 64, यहां से हम काउंट करेंगे। तो मेरी जो काउंटिंग होगी यहां पे 65 नंबर 70 71 72 73 74। तो 73 पे भी देखो कुछ नहीं, कोई बोलते ही नहीं, और यही कंडीशन क्या मेरे 74 पे भी देखो, 74 पूरा का पूरा क्या रखा है, 0 0 0, मतलब ये भी मेरा लो हो रखा है। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी क्या है, PSL आउट लो की कंडीशन। कई बार ऐसी भी कंडीशन आती है कि PSL आउट क्या रहता है, हाई पे रहता है, हमें हाई भी चाहिए। बहुत से बोर्ड में हाई की भी कंडीशन चाहिए, बहुत से बोर्ड में लो की भी कंडीशन चाहिए। तो इसमें आपको लो का कंडीशन तो मैंने बता दिया, हाई का कंडीशन किस में रहेगा वो भी बताऊंगा। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया, यही इसका फॉल्ट आता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी वजह से ये आपका दिक्कत कर जाए, है ना, है यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर जाए, मान के चलिए मैंने ओपन बताया, ओपन के केस में आके जंपर कर दे, तो ये जंपर करने से प्रॉब्लम क्या आ जाती है, एडाप्टर मोड पे तो सब कुछ ठीक ठाक है, बैटरी मोड पे ऑन नहीं होता। तो शॉर्टकट में गए तो इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, लेकिन ये शॉर्टकट लेने की जरूरत क्यों, क्या है, आप यही लगा दो। तो ये जो आप लाओगे, लाओगे कहां से, बोर्ड पे ढूंढना है। तो बोर्ड पे ढूंढना है तो मैंने आपको क्या बताया, लैंप पे चले जाओ, 30 पे गए, पेज नंबर 30 पे जाके आईसी ढूंढना है मेरे को, ढूंढ लेना एक बार 23004, इसको ढूंढ लेना है। इसको मैं ढूंढता हूँ पहले इमेज पे, इमेज पे ढूंढ के फिर बोर्ड पे जाएंगे। इमेज पे गया, इसको साइड करते हैं, चलिए हेलन चिप, लैन चिप को ऐसे पहचान सकते हो, ये आपका लैन का ट्रांसफार्मर, ये लैन चिप, और ये इसका क्रिस्टल, जरा देख लो इस पे MOSFETs जो चाहिए था वो दिख रहा है, इधर नहीं तो उधर बेटा। कितना नंबर था, 23004, 23004 ढूंढो जरा, बढ़ाई कर लेते हैं इसको, तो बैठ कर ही तो हाँ बैठ कर ही तो देखते हैं, नजर मार लेते हैं, पोजिशन आप देख लोगे तो आपको ये आप इसको तो हटा के आप इसको जंपर ले लो,
है ना, वैसे भी लाइन का काम कौन करता है, कोई नहीं करता लाइन का काम, इसको आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो, शॉर्टकट ना लेकर के आप इसका काम कर। हाँ, प्रॉब्लम कई बार ऐसी आ जाती है, प्रॉब्लम आपको ऐसी भी आती है कि ये जो काम करेगा, फिर से एक बार इमेज पाया है, ये जो काम करेगा, ऐसी भी प्रॉब्लम इस सर्किट में आती है, ये तो बैटरी मोड की बात है ना, मैं अडैप्टर मोड लेके आता हूं, है ना, कि आपका आयो चिप जो है ना इसको लो ही नहीं कर रहा, मतलब मेरा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेन क्या है कि मेरा आयो चिप इसको लो नहीं कर रहा, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आयो चिप लो नहीं कर रहा है, तो एक बार आयो चिप के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख लेना, है ना, इसको देख लेना, अगर सब कुछ लगे सारा चीज मेरा बेहतर है तो फिर मेरा आयो चिप का फॉल्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरा आयो चिप का फॉल्ट हो जाता है, समझ गया ना। और एक चीज ध्यान रखना, ये आयो चिप प्रोग्रामेबल नहीं है, आपका एनपीसी 285P जो होता है ये प्रोग्रामेबल नहीं होता है, तो ये यहाँ पर अगर मान ले किसी वजह से आयो चिप इसको आउटपुट को लो नहीं कर रहा है, एलडीओ चेक करना, 75 नंबर, 114 नंबर, 73, 93, इतना सब कुछ ओके है, तो फिर एक बार इसको भी रिप्लेस करके आप देख सकते हो। हाँ, रिप्लेस करने के लिए जाओगे तो मैंने आपको कॉस्टिंग पहले ही बता दी, कंपोनेंट यहाँ पर कितने का लगेगा, तो आपके कस्टमर के लिए चार्ज कितना हो जाएगा उस हिसाब से देख लेना, ये सस्ता आयो नहीं होगा, समझ गया ना। और कॉमन आयो है, बहुत ज्यादा यूज में आता है, बहुत ज्यादा यूज में आता है, हमेशा ये रखना ही चाहिए अपने पास ये आयो, है ना। तो कुल मिला के हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो सर, नो सर, कोई वो कौन झुका हुआ है तो एक हाई की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूं मैं, ये पीएसएल लॉजिक क्या था मेरा, लो की कंडीशन, और एक कंडीशन आपके पीएसएल लॉजिक में हाई की कंडीशन, हाई की कंडीशन दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर, देखिए ये 5151123 आईपी है, 5123 करेक्ट, इसके सीक्वेंस पे गया, विन आपका कवर हुआ, विन आया, विन आने के बाद एनएनडीओ है क्या, नंबर टू पॉइंट्स क्या होगा इस पे, नंबर टू पॉइंट्स यहाँ पर ये होगा ईएन जीरो, यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना, है ना। इस ये पिन क्या होता है, कंडीशनल पिन होता है, कई बार ये बाहर से भी कनेक्शन लेके जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर जब भी आप चेक करोगे ना इस आईसी में, ये आपको 3.3 मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो समझ लो आईसी खराब है, नहीं मिला तो आईसी खराब है ना। कई बार क्या होता है, बाहर से भी इसको कनेक्शन डाल के इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो फिलहाल आपका नंबर 2.3 हो जाएगा और नंबर 3.3 आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलेगा इस आईसी में, दोनों एक साथ मिलेंगे, वीरेज 3B और वीरेज 5B, और साथ ही साथ रेफरेंस भी आपको मिलेगा, यस सर, 2 वोल्ट पुरानी आईसी ये कांसेप्ट है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम एनेबल को लेकर के, ये आईसी जो एनेबल होगी कहां से एनेबल होगी, पिन नंबर 18 पे इसका एनेबल आएगा, तो पिन नंबर 18 पे जो एनेबल आएगा, नाम क्या पड़ा, 3 वोल्ट 5 वोल्ट एनेबल, आपने इसको कॉपी कर लिया, वही कॉन्सेप्ट है, प्योर हार्डवेयर शट डाउन, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं, देखो ये डायोड D3601 सब में डायोड है, यही डायोड आपको 10 जनरेशन में भी दिखेगा, समझ गया ना। नाम हो गया S5 अवेलेबल, कॉपी पेस्ट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या लॉजिक है मैं ये देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ S5 अवेलेबल पे गया तो मेरे को एक रजिस्टर दिख रहा है, रजिस्टर का पुलअप दिख रहा है 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी केबीसी, भैया उसमें थोड़ा सामने था, यहाँ पर यहाँ पे दे रखा, मतलब एक पुलअप है, मतलब S5 अवेलेबल पे जो वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज का आयो बनाएगा नहीं, बल्कि यही एलडीओ वोल्टेज का ही यहाँ पर पुलअप है ना, और ये एलडीओ वोल्टेज भी क्या होता है, स्विच होकर आता है, यहाँ पर क्या लिखा है 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी केबीसी,
कॉजली केबीसी भी क्या बना 3.3 वोल्ट एलडीओ से स्विच होकर के 3.3 वोल्ट कॉजली केबीसी बना और वही मेरे स्थायी वेरिएबल आएगा। बाकी इस पे लॉजिक लॉजिक पे गए तो जरा इसको देखो। अब यहां की कंडीशन देखना समझना क्या है ये आपका मॉस्फेट का पी चैनल ये आपका एन चैनल क्लियर बात। वही चीजें चाहिए मेरे को गेट ड्राइव में लो चाहिए लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे क्या लिखा है केबीसी ऑन हैज आर है इसका कनेक्शन किससे जुड़ा है इन एक्चुअली इसका कनेक्शन किससे जुड़ा है तो इसको समझने से पहले एक बार आ जाओ आयोचित के ऊपर। ये आपका आयोचित है आयोचित जो यहां पर यूज किया कंपनी ने 795 एनपीसी 795 और जरा इस पर ढूंढो पीएसएल आउट इस पे क्या लगा हुआ हैश नहीं लगा है तो हैश नहीं लगा है देखो हैश नहीं लगा है ना तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए हमेशा 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। हो गई ना कंडीशन अलग हमने इससे पहले लो की कंडीशन देखी हैश लगा था तो ये लो रहेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को ओके कंडीशन में हाई की कंडीशन पीएसएल आउट पे मेरे को वोल्टेज मिलना चाहिए पिन नंबर 74 तो वोल्टेज कब मिलेगा जब पीएसएल इन 1 और एक पीएसएल इन 2 भी होगा 1 तो दिख गया 2 किधर है ये भी आपको हाई की कंडीशन दिखा रहा है यस सर है ना जरा यहां पर देखते हैं ये है क्या तो यहां पर जैसा कि आपने देखोगे ये पीएसएल पीएसएल कहां तो दिया हुआ है इस साइड है क्या दिया हुआ ये रहा देखो जरा इसको समझना ये रहा क्या लिखा है पावर चार्जिंग एसी ओके मतलब क्या बनेगा 3.3 वोल्ट बनेगा पीएसएल को लेकर रखना है पीएसएल इन 1 तो जाहिर सी बात है पीएसएल इन 1 मतलब इनपुट आपका हाई तो आउटपुट भी क्या चाहिए हाई रहेगा तो अब सारी बात ये आ गई पीएसएल आउटपुट क्या है हाई लेकिन मेरे को यहां पर ये क्या चाहिए ये भी हाई चाहिए क्या केबीसी ऑन हैज आर मेरे को हाई नहीं चाहिए तो मेरे को लो चाहिए क्योंकि मेरी कंडीशन तभी मीट करेगी जब ये लो होगा सभी जाकर के ये ऑन होगा और ये आपका ऑफ होगा मेरी कंडीशन यही है ना तो मतलब कौन बंदा है ऐसा यहाँ पर जो इसको करेगा लो आयो तो नहीं है वो बंदा क्योंकि आयो तो हाई दे रहा है yes, sir. तो यहाँ पर कोई ना कोई एक और बंदा है वो बंदा कौन है ये देख लो ये पीएसएल आउट किस पे आया इसके ऊपर ये Q2705 तो सीधा हो गया कि आयो के रिक्वायरमेंट पूरी हुई एसी ओके उसको हाई में मिला आयो चिप ने यहाँ पर क्या दे दिया 3.3 वोल्ट तो ये मॉस्फेट ऑन हो गया ऑन करके क्या किया ड्रेन सोर्स कंडक्ट हो गया तो ड्रेन के साथ क्या जुड़ा हुआ वही केबीसी ऑन है सर तो ये लो हो गया तो ये कंडीशन आपको मिल कर गई ये लो हो गया और आपका ये लॉजिक कंप्लीट हो गया तो ये हो गया पीएसएल आउटपुट हाई की कंडीशन मतलब एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा दिया एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा दिया कंडीशन आपकी ऐसे की ऐसे पक गई है समझ गए ना तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है तो इस चीज को आप मैं तो नहीं चेक करूंगा आप खुद चेक कर लेना है ना ये बोर्ड में आपको दे दे रहा हूँ और इस बोर्ड का सही स्कीमेटिक मैं आपको ढूंढ के दे दे रहा हूँ आप इसको खुद से चेक कर सकते हो इस पूरी कंडीशन को जैसे 45 के बोर्ड पर मैंने बताया आप कोई चीज इस पे भी ढूंढोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैसे का वैसे यहाँ पर आयोजित है ये सारी कंडीशन आपको मिल जाएगी ना बाद में खुद चेक करोगे यस क्या तो आज के लिए इतना ही ये हमारी क्या थी लॉजिक था पीएसएल लॉजिक लॉजिक अलग अलग तरह के आते हैं आज हमने पीएसएल लॉजिक को कवर किया हाई की कंडीशन भी और लो की कंडीशन भी है ना और एक 11 जनरेशन का भी मैंने आपको लॉजिक कवर करवाया जिसमें क्या क्या था 5 वोल्ट आपका पहले बन रहा था 3 वोल्ट बाद में बन रहा था दो लॉजिक कवर करा है एक लॉजिक रह गया मेरा एंट्रेंस लॉजिक पुराना लॉजिक है एंट्रेंस लॉजिक क्योंकि देखो मैंने क्या बोला स्टेप डाउन सर्किट के नए बोर्ड में कुछ समझने के लिए है नहीं नए बोर्ड में ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं जितने पुराने बोर्ड है उस पर समझना होता अच्छा ये जो समझा रहे नहीं भी समझाते तो चलता ना
तब समझा रहे आपको सर दर्द हो रहा है तो मेरे लिए क्या हो गया आप मार वाली का बात हो गई ना वही बात हो गई ना अगर मैं चीजों को इजी रहने देता तो आपके लिए भी इजी रहता तो मैं क्यों खुद ही आपको परेशानी में पड़ रहा हूँ क्यों आपको समझा रहा हूँ ये बात बताओ नहीं भी समझाता चलेगा मैं बोलता यार ये तो फिफ्थ जनरेशन में आता है पुराना हो गया अब तो हम 11 जनरेशन समझ रहे हैं 10 जनरेशन समझ रहे हैं प्रैक्टिस करवाओ है ना सरकारी वगैरह नौकरी वगैरह के एग्जाम में भी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वही रीजनिंग मतलब लॉजिक यहाँ पर भी लॉजिक है भाई आपकी प्रैक्टिस हो रही है इससे जब आप इस चीजों को समझने लगोगे हमेशा तो मैं आपके साथ नहीं हूँ ना जितने दिन का कोर्स है उतना दिन हो 2 साल बाद 3 साल बाद कोई इस तरह का सर्किट आ गया तो मेरे से आप पूछने थोड़ी आओगे तो वहां पर खुद अंडरस्टैंड आप करोगे तो वो चीज वो समझ आपको आ जाए इसलिए इस सब चीजों का सहारा लिया जाता है ना तो जिस दिन आप लॉजिक को खुद ब खुद अंडरस्टैंड करने लगोगे तो आपको डायग्राम बहुत हल्का लगेगा डायग्राम में कुछ भी नहीं लगेगा डायग्राम तभी तक भारी लगता है ना एक तो मैं सीक्वेंस का नहीं पता रहता पहले क्या बाद में क्या सीक्वेंस कवर कर लिया लॉजिक को कवर कर लिया है ना सीक्वेंस और लॉजिक कवर हुआ आपका आपको डायग्राम इजी लगने लगेगा समझ गए ना आपको डायग्राम इजी लगने लगेगा और यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हो जो कर रहे हो वही चीज बोर्ड पे भी मिलना है ऐसा नहीं कि बोर्ड पे नहीं मिलना है जो यहाँ पर मिला वही बोर्ड पे मिलेगा 1% के लिए 19-20 हो सकता है लेकिन जो डायग्राम पे मिल रहा है वो बोर्ड पे मिल रहा है वो होता है हाँ एक बार शॉर्टकट ले लेते हैं कंपनियां कि डायग्राम पे आपको दिखाया कि ये लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर बता दिया नहीं लगा हुआ है ऐसा शॉर्टकट ले सकती है कंपनी उस हिसाब से वो अपने लॉजिक को भी चेंज करेगा ना फिर इस हिसाब से क्या होगा पीएसएल आउटपुट लो हो गया ना तो फिर आयो भी चेंज होगा फिर आयो भी चेंज होगा तो इस तरह का छोटा मोटा चीज होता है बाद में की जो ड्रॉइंग जो आपका डायग्राम पे वही आपका बोर्ड पे आज के लिए